कैसे हो भाई लोग, वेलकम बैक टू वीडियो। दोबारा से चुके नई वीडियो में। तो कल आज हम सरवाइव करने वाले 100 डेज, वो भी एक आइलैंड पे जो कुछ इस तरीके का दिखता है। उसके अंदर हम चैलेंज रख रहे हैं कि हम हार्डकोर में खेलेंगे और एक अपने लिए आयरन का आर्मर बनाएंगे। तो बिना देर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम स्पॉन तो हो चुके थे और हमारे साइड में तो दो पेड़ और बीच में थी मुर्गी, जिसको हम कुछ कहते नहीं है और उसको हम कुछ कहना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें इग्नोर मारेगी। तो हम सीधा चलते हैं वुड तोड़ने और उससे बनाएंगे हम अच्छे अच्छे से टूल्स। और रेड कैसे हमने वुडन के टूल्स तो बनाए, मतलब टूल्स नहीं, एक पिकैक्स बना ली। अब बनाएंगे हम, नीचे में स्टोन दिख गया था इसलिए हम स्टोन तोड़ने आ गए, तो मतलब स्टोन के टूल्स बनाएंगे। अब और सामने हमें दिखा है कोल, तो हम कोल से हम स्मेल्ट करेंगे आयरन को और उससे बनाएंगे आयरन का आर्मर, जो हमारा फर्स्ट गोल था। फर्स्ट गोल तो हमें हार्डकोर में, और सबको दिख रहा है हम हार्डकोर में खेल रहे हैं। हमारा फर्स्ट गोल कंप्लीट होने वाला है जैसे हम आयरन का आर्मर बना लेंगे। अब हम बना लें स्टोन के टूल्स, तो अब सीधा हम माइनिंग करने चलते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और हम थोड़े से सामान बना दे, जैसे कि हम फर्नेस बना लिए और हमें थोड़े से चेस्ट भी रख ली जिसके अंदर हम हमारा जो फालतू सामान है वो सारा रख लेंगे। अब सीधा चलते हैं हम कोल को कलेक्ट करने, और रात भी शायद मेरे को लग रहा होने वाली है, मेरे को तो लग रहा सुबह ही अभी। और सीधा चलते हम कोल को कलेक्ट कर लेते हैं। कैसे सीधा ऊपर चलते हैं और वहाँ से टॉर्च वॉर्च बना के लाते हैं, क्योंकि मेरे को सामने दिख रहा है बहुत ही अंधेरा। और सीधा बनाते हैं टॉर्च और ऊपर भाई हमारे सारे सैपलिंग भी मिल गए होंगे। हाँ, ये भी बहुत सारे सैपलिंग है, एक सैपलिंग इधर है और दूसरा पेड़ पे भी कोई सैपलिंग नहीं, इसको तो सारे को तोड़ देते हैं, जल्दी सैपलिंग मिलेगी फिर हम बनाएंगे वुड। पर उससे पहले कैसे हमने सारे टॉर्च भी लगा दी और अब तोड़ दें हम सारे कोल। अब सीधे चलेंगे हम स्ट्रेट माइनिंग करने, तो सीधा चलते हैं हम स्ट्रेट माइनिंग करने और उससे बनाएंगे हम अपने लिए आयरन ढूंढेंगे बहुत ही सारा, फिर हम बनाएंगे अपना आयरन का आर्मर। और ऐसे का कंटेंट आते रहते हैं 100 डेज के और वगैरह वगैरह, बहुत ही कंटेंट आते रहते हैं इस चैनल पे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और इस चैनल को फॉलो कर लो, जो करना वो कर लो। और हम सीधा चलते हैं स्ट्रेट माइनिंग करने। बस यहाँ से तो भाई बहुत ही सारा पानी आ रहा है भाई, सब इतना पानी, तो भाई हमें इस जगह को ब्लॉक करना पड़ेगा और दूसरी जगह से माइनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो कैसे सीधे चलते हैं हम इस साइड से माइनिंग स्टार्ट करने, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ से मैं तो ऊपर से देख के आया हूँ, वहाँ से थोड़ी सी जगह है, मतलब इस साइड से हमें कुछ मिल तो सकता है ज़रूर। मैं नीचे जाता हूँ और मेरे को मिलती है एक माइन शॉफ्ट जिसमें बहुत ही सारे मॉब्स होते हैं, इसलिए मैं वहाँ से स्केप कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई आर्मर भी नहीं था और टूल्स भी नहीं थे। गाइस मैं चलता हूँ ऊपर और जितना भी मेरे को आयरन का इंगट मिले वो सारा स्मेल्ट करके आर्मर बना लेता हूँ। और राइट गाइस, मैंने अपना आर्मर बना लिया और मैं यहाँ से नीचे चलता हूँ सीधा, और नीचे जहाँ पे माइन शॉफ्ट मिली थी वहाँ पे चलता हूँ, सारे मॉब्स को मार के आते हैं। अब हम सारे मॉब्स से भिड़ेंगे। तो गाइस गाइज हमने मार दिया स्पाइडर को और सीधा अंदर बाहर फिर टॉर्च लगाते देखते हैं कोई आयरन के इंगट है क्या, कोई आयरन है क्या नहीं। गाइज इस साइड तो मेरे को थोड़े से आयरन दिखे, तो इन सबको गाइज हम तोड़ लेते हैं और सीधा चलते हैं ऊपर और सीधा आयरन का आर्मर बनने के बाद ही गाइज आपसे थोड़ी सी देर मिलते हैं, थोड़ी सी भाई बस थोड़ी सी देर। ऑलराइट गाइज हमने आयरन का आर्मर तो बना लिया और ये गाइज कितना ऑसम दिख रहा है गाइज मैंने, और ये गाइज मैंने चैलेंज भी पूरा कंप्लीट कर लिया। और जो भी इस वीडियो बनाए हैं वो लाइक कर लो, जो भी इस चैनल नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।